ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज के डिजिटल न्यूज सर्विस नवयुग टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। 145 लाइट ईडी रेजिमेंट के जवान जब ब्रह्मा कुमारी संस्था के शिव मनी होम पहुंचे, तब वहां के भाई बहनों के द्वारा तिलक व फूल देकर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही उन्होंने शिव मनी होम परिसर में पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। शिव मनी होम में बीके मनीषा बहन ने ओम शब्द का शाब्दिक अर्थ बताते हुए कहा, ओम अक्षर तीन शब्दों से मिलकर बना है। वतन है अगर गजल तो साज हो आप, सरहद पर आग उगलती आवाज हो आप, मुल्क के दामन पर चमकते हैं हमारे जवान, हिंद को खून से सींचने वाले जाबांज हो आप। तो हम शिव मनी होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं ओम शब्द तीन अक्षरों से मिलकर बना है, अ उ और म। अ का अर्थ होता है आचरण, उ का अर्थ है उच्चारण और म अर्थात मन, मनसा। तो जब हम मन, वचन और कर्म में शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाते हैं और आपस में अभिवादन करते हैं तो कहते हैं ओम शांति, यानी आपको ये स्मृति दिला रहे हैं कि हम भी शांत स्वरूप हैं, आप भी शांत स्वरूप हैं, क्योंकि मन का शांत रहना बहुत ही आवश्यक है आज के समय में। तो आप सभी का फिर से बहुत स्वागत है। शिव मनी होम के प्रबंधक बीके ओम भाई ने सभी जवानों का स्वागत करते हुए संस्था की गतिविधियों के बारे में बताया। मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी के कुछ भाई जो अपने हमारे सम्मुख बैठे हैं, उन सब का मैं नाम सहित स्वागत करता हूं। बहुत हर्ष अनुभव हो रहा है ये बताते हुए कि हम लोग जितने भाई बहने यहाँ शिवमणि होम में, क्योंकि एक वृद्ध आश्रम है, दो तरह की सेवाएं हैं यहाँ पर। एक है आध्यात्मिक, यानी कि आपका वास्तविक परिचय, उसको लेकर जीवन में जो प्राप्तियाँ होनी चाहिए उसकी अनुभूति करते हुए औरों को भी इसका अनुभव कराना। दूसरा है कि शारीरिक जो व्याधियां आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, जो हमें आजकल बढ़ती हुई दिखाई देती हैं, उनका उपचार करने के लिए ये हॉस्पिटल बनाया गया है। कैप्टन हितेश भाई ने कहा, 9 मार्च से हमने यह यात्रा शुरू की थी, तब से अनेक स्कूलों में जाकर सेना के प्रति अवेयरनेस लाने और अग्निवीर स्कीम के बारे में बताने का कार्य कर रहे हैं। और जोधपुर से हमने ये अपनी साइकिलिंग और ट्रैकिंग की यात्रा स्टार्ट की थी। 9 मार्च को हमने जोधपुर से शुरुआत की थी और इसका पर्पस ये था कि हम अलग अलग स्कूल्स में और कॉलेजेस में जाके बच्चों को आर्मी के बारे में अवेयरनेस फैलाएं और मोटिवेट करें बच्चों को फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए, और अग्निपथ जो स्कीम है उसके बारे में भी जागरूकता फैलाने के लिए हमने ये स्टार्ट किया था। माउंट आबू में हमारी ट्रैकिंग फेज था, तो हमने 10 डेज का डेली हम लोग ट्रैकिंग करते थे और एक विलेज में नाइट कैंपिंग किया करते थे हम लोग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत अलग फील हो रहा है यहाँ पे आके, और बहुत हम तो सेवा कर ही रहे हैं बट आप लोग जो सेवा कर रहे हो ये मतलब ये अनमैचेबल है, थैंक यू। पूर्व कर्नल BC सती ने सेना के जवानों को मेडिटेशन के प्रति प्रेरणा देते हुए कहा, आप अपने जीवन में राजयोग को शामिल कर लो तो दुश्मन भी आपको दुआ देंगे। कि आप जो फौजी जीवन जी रहे हो इससे बढ़िया देश सेवा तो कुछ है ही नहीं। इसमें सिर्फ एक एलिमेंट जोड़ दो, एक अध्याय जोड़ दो कि हम भी हर कर्म करते हुए अगर उस परमात्मा को साथी बना के करते हैं तो आपको आपके अपने ही नहीं दुश्मन भी दुआ देगा। ओम शांति। शिव मनी होम के डिप्टी मैनेजर बीके विजय बहन ने राजयोग के द्वारा गहन शांति की अनुभूति कराई। कैप्टन हितेश भाई के द्वारा बीके ओम भाई को माला पहनाकर व बीके विजय बहन को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही कैप्टन हितेश का संस्था की ओर से बीके ओम भाई, बीके सती भाई व बीके विजय बहन ने शॉल उड़ाकर व परमात्मा का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। खबर मध्य प्रदेश के बिलासपुर से।
जहां पर्यावरण संरक्षण गतिविधि बिलासपुर के द्वारा रेलवे महाराष्ट्र मंडल में आयोजित विश्व जल दिवस के अवसर पर संगोष्ठी को संबोधित करते हुए बिलासपुर राजयोगा सेवा केंद्र की संचालिका बीके स्वाति बहन ने कहा, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा और मकान है, उससे भी पहले मनुष्य के जीवन में जल का अधिक महत्व है। और अगर जीवन ही नहीं होगा तो रोटी कपड़ा और मकान का क्या करेंगे। तो मकान के बाद पानी नहीं, लेकिन रोटी से पहले पानी। और अगर हम ये स्लोगन कहें कि पानी रोटी कपड़ा और मकान, ये है हमारी मूलभूत आवश्यकता है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके साथ ही बीके स्वाति बहन ने सभी को जल बचाने के लिए प्रतिज्ञा कराई। कार्यक्रम के अंत में सभी को पौधा उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। बिहार के बाढ़ जिले में CISF कैंप में राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में सेवा केंद्र संचालिका बीके ज्योति दीदी के द्वारा योग एवं ध्यान के बारे में गहन रूप से जानकारी दी गई। तो ये हमें शरीर मिला है कर्म करने के लिए। अगर केवल मेरी आत्मा हो और शरीर हमें ना हो तो हम कर्म नहीं कर सकते और जीवन नहीं जी सकते। सुदर्शन चक्र का मतलब है कि स्वयं का दर्शन करना। रंगों का त्योहार होली हम सब के जीवन में अमिट छाप छोड़ता है। उत्तर प्रदेश के भदोही सेवा केंद्र द्वारा होली को अलौकिक रूप से मनाया गया। होली के शुभ अवसर पर लोगों ने एक दूसरे के ऊपर फूलों की पंखुड़ियां डालकर होली का त्यौहार मनाया। ब्रह्मा कुमारीज के डिजिटल न्यूज सर्विस नवयुग टाइम्स में हमसे जुड़ने के लिए आपको सहृदय धन्यवाद। ओम शांति। जय हिंद। जय भारत।